क्वेश्चन थ्री में क्या गिवन है देखो, फर्स्ट पार्ट में आपके पास टू बॉक्स कॉमा 26 है। अब यहां पर अगर हम देखें तो पहली टर्म हमारी क्या है, टू, यानी ए वन हमारी टू है और फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए, तो ये हमारा ए हो गया। और कौन से नंबर की टर्म हमें गिवन है, थर्ड, ए टू मिसिंग है और ए थ्री हमें गिवन है, तो ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d। क्लियर, ए थ्री की वैल्यू 26 गिवन है और ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d। अब उसमें ए की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल गई कितनी, टू, तो इसकी वैल्यू हम इसमें अगर पुट कर दें तो इससे हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d, सो 24 इक्वल्स टू 2d, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24 अपॉन 2, 12। अब हमें जो मिसिंग बॉक्स है बेटा उनकी वैल्यूज निकालनी है, क्लियर, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अब ए टू मिसिंग है तो ए टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, सो ए क्या है आपका 2 और डी क्या है 12, सो ए टू आ गया आपका 14। आया समझ में, देखो कोई भी एपी में अगर कोई भी टर्म आपको निकालनी है किसी भी नंबर की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस एपी का आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए जनरली कहां से पता चलेगा हमें,